श्री हरि नल दमयंती की कथा भाग दो विशेष कलयुग का दुर्प्रभाव जुए में नल का हारना और नगर से निर्वासन। महर्षि वृषभ कहते हैं, युधिष्ठर जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उसे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने हंस कर कहा, अजी वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भर कर कहा, ओह तब तो बड़ा अनर्थ हुआ, उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है, वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन किया है, वे धर्मानुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं, सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी है। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालों के समान है। उनको क्षाप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा, मैं उसे राज्यच्युत कर दूंगा। तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा, इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया, साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीत कर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ ही हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सह न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। अब उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दाव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं,
आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आ खड़ी है। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी, नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हैं, आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उन्हीं के प्रतिकूल पड़ते। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला तब उसने बृहत सेना नाम की धाय के द्वारा राजा नल के सारथी वारशन्य को बुलवाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिन नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथनानुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडिनपुर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा स्वयं वहां से पैदल ही चलकर अयोध्या जा पहुंचा और वहीं राजा ऋतुपर्ण के पास सारथी का काम करने लगा। वार्षण्य सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के योग्य समझो तो फिर खेल हो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्राभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। 4th दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी।
इसके बाद नल ने कहा, प्रिय तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को, सामने विंध्याचल पर्वत है, यह पयोषणी नदी समुद्र में मिलती है, ये महर्षियों के आश्रम है, सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है, यह कोसल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भर कर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बताने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई, वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामी आप क्या सोच रहे हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं रहा, आप थके मांदे तथा भूखे प्यासे हैं, क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है, वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है, यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय तुम्हारा कहना ठीक है, पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता, तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूँ। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है, यदि आप मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें, मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था, इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे, तदनंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए।